नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। जरूर करते हैं बड़ी खबर की ओर, और बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा के यमुनानगर से सामने आ रही है, जहां पर यमुनानगर के बिलासपुर में मेला श्री कपाल मोचन का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु फूलिया ने मेले का शुभारंभ किया है। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और यमुनानगर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी इस मेले में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि 7 दिनों तक लगातार ये मेला चलेगा और कार्तिक अमावस्या को स्नान करके मेले का समापन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रीजनल हेड राजकुमार सैनी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, कल मेड़ताल मोचन मेले का शुभारंभ हुआ है, किसने शुभारंभ किया है और कितने श्रद्धालु इस मेले में पहुंचे हैं? जी सोम्या, सबसे पहले तो मैं साधन न्यूज के माध्यम से सभी भक्तों को कपाल मोचन इस मेले की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो कपाल यमुनानगर का जो बिलासपुर एरिया है, जहां पर कपाल मोचन के नाम से एक ऐतिहासिक जगह है, जो कि एकादशी के महीने में, जैसे कि आज एकादशी का पहला दिन है और आज से ही इस मेले का शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है पौराणिक तथ्यों के मुताबिक इसको इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही क्षतियुग जो था, द्वापर युग था, उस समय से ये प्राचीन कालों से लगातार ये जो जगह है, ये पौराणिक कथाओं में इसके वर्णन भी किया गया है, क्योंकि जो भोलेनाथ जी थे शिव जी, उनको ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा था, उसका जो स्नान करने आए थे, वो यही वो जगह है जो कपाल मोचन मेले के नाम से स्थित है। मैं सोम्या ये भी बताना चाहूंगा कि आज एकादशी का दिन है और आज के ही दिन शादी विवाह का जो लगन होता है आज से शुरू हो जाता है, और शनिवार के दिन पूर्णिमा का दिन है, जो कार्तिक अमावस की रात भी कही जाती है, पूर्णिमा का दिन, उस दिन लोग जो यहाँ से श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ पर स्नान भी करते हैं। और आज जो ये काशी में जो कपाल मोचन मेले का जो शुभ आरंभ हुआ है, आज शुभ आरंभ जो है अंबाला की जो आयुक्त मंडल है रेणु फूलिया जी के हाथों द्वारा, और यमुनानगर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, SP हैं, DC साहब जी हैं, कैप्टन मनोज जी हैं, वो यहाँ पर मौके पे मौजूद रहे और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस मेले का शुभारंभ हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सोम्या, अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो आज पहला दिन है और पहले दिन ही हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो दिखाएंगे कि जो श्रद्धालु है यहाँ पर किस तरीके से भीड़ लगनी शुरू हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं यहाँ पर आने लगे हैं और लोगों की जो भरमार है, देखिए ये वो गौ बच्चा जो है, जो कि पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन किया गया है, यहीं पर शिव भोलेनाथ जी जो जिनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, वहीं पर वो यहाँ पर आकर स्नान करके अपने ब्रह्म हत्या दोष का खत्म किया था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सोम्या, यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं भारी मात्रा में यहाँ पहुंचते हैं, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये इसका जो वर्णन भी किया गया है, इसका वर्णन है, ये जो कपाल मोचन जो जिसका जगह है इसको सोमेश्वर तीर्थ, और दूसरा जो ऋण मोचन और सत्यनारायण, और तीसरा सूरज कुंड, और सतयुग में जब परशुराम भगवान यहाँ आए थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी यहाँ आए थे, और द्वापर युग में श्री गोपाल जी और 5 पांडव यहाँ पर आए थे जी। भगवान शिव भोलेनाथ को गौ बच्चे जो हत्या था, ब्रह्म हत्या दोष का, उसका यहाँ पर हत्या से जो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था उससे उन्होंने मुक्ति पाई थी। कुछ लोग भी यहाँ पर आए हैं जो कि पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे विश्व से यहाँ पर लोग इस कपाल मोचन के मेले में यहाँ पर आते हैं। और इस कपाल मोचन के अंदर एक हफ्ते का यानी 7 दिन का ये मेला होता है, जो कि पूर्ण रूप से इसकी तैयारी भी की जाती है। मैं आपको अब भोलेनाथ जी का वो मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जो कि ऐतिहासिक कापिलेश्वर महादेव मंदिर है, और वो सामने जो है शिव जी का मंदिर है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो भी दिखाएंगे कि जो भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो कि पौराणिक कथाओं में इनका भी वर्णन किया गया है, जो यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ जी विराजमान है, यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्ति है, और ये देखिए ये है वो भोलेनाथ जी। मैं दिखाना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को, और ये भी बताना चाहूंगा कि यही भोलेनाथ जी का वो स्थान है, मंदिर है, जहां पर हजारों की संख्या में
लोग यहाँ पर आते हैं, आने के बाद यहाँ पर अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी समस्याएं, बीमारी सभी चीजों से निजात पाते हैं। यहाँ पर जो पंडित जी हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पंडित जी हैं इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की जो विशेषता है इसके बारे में क्या कुछ ये बताएंगे। सर क्या नाम है जी आपका? मैं राजा राम। राजा राम जी, ये जो शिव जी का मंदिर है, पौराणिक स्थान है, क्या विशेष है यहाँ? शिव जी को पहले दोष लगा था, उसकी वजह से आके स्नान किया, उसकी वजह से ये रिमोट हो गया। तो ये कपाल मोचन का जो मेला लगता है यहाँ पर, कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो लाखों की संख्या में आते हैं। क्या भारत के अलावा बाहरी देशों से भी लोग यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं, बहुत कम, बाहर से कम आते हैं, बहुत कम आए। तो पंजाब के ज्यादा है, पंजाब के लिए ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। सुनिया, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्थल है ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर हिंदू और जो सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनकी मान्यता बहुत ज्यादा यहाँ होती है। जी सुमया जी, राजकुमार जी, प्रशासन की तरफ से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? सुमया, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए विशेष विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए नहाने के लिए जो सफाई वगैरह की जाती है, साइडों में जो महिलाओं के लिए स्नान करने की जो जगह है उसके लिए भी विशेष प्रबंध सरकार ने किया हुआ है, ताकि जो यहाँ पर बोट भी यहाँ पर लगाई गई है नदी के किनारे पे, वो मैं आपको नदी भी अभी दिखाता हूँ। नदी के किनारे जो यहाँ पर एक घाट बना हुआ है जो स्नान जगह है, यहाँ पर भी बोट की सुविधा दी गई है। सभी जगह शौचालय की व्यवस्था की गई है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो यमुनानगर के SP हैं मांगेराम जी, उन्होंने भी प्रशासनिक पुलिस कर्मचारियों को भी लगातार यही आदेश दिया है कि आप लोग पूरे मेले में एक हफ्ते तक जहां जहां चौक चौराहा जो भी एरिया आपको नजर आता है वहां पर पुलिस लगातार तैनात रहेगी। तैनात रहने के बाद पुलिस जो जनता है, यहाँ की जो श्रद्धालु लोग हैं, कई लोगों को यहाँ पर संतुष्टि भी हुई है कि पुलिस की तरफ से पूर्ण सुविधा उन्हें प्राप्त हो रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से इंतजाम लगातार श्रद्धालुओं के लिए सहयोग भी किया गया है और इंतजाम भी किया गया है। मैं जो सोनिया, ये भी मैं बताना चाहूंगा, जो ये मंदिर है, कपाल मोचन मेला है, यहाँ के जो पंडित हैं उनके पुत्र हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि इस कपाल मोचन का जो मेला है आखिर इसमें और क्या क्या विशेष रूप से मान्यता दी गई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चेतन सिंह है जी। चेतन सिंह है मेरा नाम। चेतन जी, इस मेले की क्या क्या विशेषता है और ये इस धार्मिक स्थल के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ पे ना सतयुग काल जो था उसमें जो है, जब ब्रह्मा जी के सर पे जो अकाल का वास हो गया था, तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए जय शिव जी भगवान ने उनके उस सिर को हाथ मार के तोड़ दिया था, मतलब एक तरीके से निकाल दिया, तो उनके सिर पे जो है उनका कपाल चिपक गया था शिव शंकर भोले के, तो उनको जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। ब्राह्मण थे ना ब्रह्मा जी, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। उसके बाद एक पार्लर में जो है गऊ बच्चा था, यहाँ पे थोड़ी दूर गाँव है बानीपुर वहां के, तो उस बछड़े ने जो है, उसके बछड़े का मालिक भी ब्राह्मण था, उसने उसकी हत्या कर दी थी, तो दोनों की हत्या हो गई थी, तो दोनों जो है ब्रह्म दोष से श्रापित थे। तो श्रापित होने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ जो कपाल मोचन का सरोवर है इससे पहले गौ बच्चा आए और उनके साथ साथ भगवान शिव शंकर आए, जैसे ही इस तालाब से नहा करके निकले तो दोनों श्राप मुक्त हो गए। तो यहाँ पे जो है ब्रह्म हत्या, बड़े से बड़े हत्या जो भी है पाप कर्म सब, उनसे जो है मुक्ति मिलती है इस सरोवर में नहाने से। तो यहाँ पर कितनी संख्या में लोगों का आना होता है इस कपाल मोचन मेले में, और ये कितने दिन का होता है? ये कपाल मोचन का मेला मेन तो एकादशी से शुरू हो गया, पूर्णिमा तक लगता है और कतक मास की पूर्णिमा तक चलता है जी, और बहुत संख्या में आते हैं, 10-15 लाख आराम से आते हैं, बहुत श्रद्धालु लोग दूर दूर से, पंजाब से इधर काफी दूर दूर से आते हैं। तो ये जो सरोवर है, जो ये घाट बना हुआ है, क्या इसके अंदर स्नान करने से जो लोग हैं जो अपने बीमार होते हैं, दुख परेशानी होती है, क्या स्नान करने से उनकी कष्ट दूर हो जाते हैं? काफी श्रद्धालु जो है जो लास्ट टाइम आते हैं उसके बाद अगले साल दोबारा आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने ये मन्नत मांगी थी और ये दुखता हमारा, यहाँ पे स्नान करने से हमें ठीक हुआ, तो लोगों को मतलब लाभ जो है मिलता है सब कुछ। जो कार्तिक पूर्णिमा की जो रात होती है जिस दिन ये स्नान होता है और उसके बाद ये मेला का समापन होता है, वो कौन सा दिन होता है? वो जो है पूर्णमासी नु जो है लास्ट स्नान होता है जी, पूर्वी का स्नान जो है पूर्णिमा के दिन रात के समय होता है,
उसके बाद अगले दिन जो है मेला खत्म हो गया। तो देखिए सोमया, जिस तरीके से पंडित जी के जो पुत्र हैं उन्होंने पूर्ण रूप से जानकारी दी है, यहाँ पर जो पंजाब से कुछ माताएं आई हुई हैं, हम माता से भी बात करना चाहेंगे कि ये कहाँ से आई हैं, और स्नान के रूप में जो ये माताएं आई हैं इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? परमजीत। परमजीत कहाँ से आए हैं आप? असी मोगा तो आए। मोगा से? हाँ जी। थोड़ा आगे आ जाओ, मोगा से आप आए। हाँ जी। तो माता जी कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं, और क्या जैसे कि पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन किया गया है, गए हफ्ते दोस्त सब खत्म हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी दूर से आप आए हैं, तो क्या अगर कोई दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं स्नान करने से? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा इसे बताएंगे आप? बहुत अच्छा लगा। तो आपका क्या नाम है जी? भाई क्या नाम? बस ठीक ठाक, इधर घूमन। अच्छा, घूमने आया। तो यहाँ पर स्नान करने से क्या दुख कष्ट दूर हो जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने साल से आ रहे हैं आप? 2 साल हो गए जी। 2 साल से लगातार आप आ रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? आरती गोयल। आप कहाँ से आए हैं? रामपुरा फॉल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से। बठिंडा से। तो आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? हम 4-5 साल हो गए आते, लॉकडाउन में नहीं आए। अच्छा। तो वैसे हमारे साथ आते। तो कितने कितने लोग जो होते हैं, कितने कितने यहाँ पर स्नान करने से कहते हैं कि यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा की रात को जो पूनम की रात होती है, स्नान करने से दुख कष्ट दूर हो जाते हैं? क्या वो सच्चाई है? नहीं, बहुत सच्चाई है जी, हमको विश्वास है भगवान पे, ये बहुत सच्चाई है। हम हर साल आते हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं। मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? हाँ जी हाँ जी, होती है, हर साल होती है, जो भी हम सुख सकते हैं हमारी पूरी होती है। कुछ और भी माताएं हैं यहाँ पर, हम इनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है जी? दर्शना देवी। दर्शना देवी। दर्शना जी कहाँ से आए आप? रामपुरपुर। रामपुरे से। तो कितने साल से आप भी इस जगह पर? 10 साल हो गए। तो आप हर साल यहाँ आते हैं जैसे मेला आई जाते कुछ काम हो जाए जो कार्तिक की पूर्णिमा जो रात है उसी स्नान करने से दुख सारे दूर हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो लोगों की जो श्रद्धा है वो पूर्ण रूप से साफ अक्षरों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल से लगातार ये जो लोग यहाँ आते हैं अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण भी होती है, अपने कष्टों को दूर भी करते हैं, और समस्या जो भी घर का दुख हो, कलेश हो, बीमारी हो, इस घाट में आकर स्नान करने से सभी चीजों से निजात पाते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो घाट दिखाएंगे जहाँ पर स्नान करने से श्री भोलेनाथ जी ने स्नान किया, उनका ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त हुए। अब जनता जो है, जितने भी लोग श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनकी भी समस्या इसी घाट में स्नान करने से खत्म होती है। हम आपको दिखाते हैं, आइए। तो ये मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये घाट दिखाएंगे, क्योंकि इधर कुछ महिलाएं आकर नहा रही हैं, कुछ महिलाएं नहा रही हैं। ये देखिए, ये अब मैं दिखाता हूँ, आइए। ये वो स्नान घाट है जहां पर स्वयं भोलेनाथ जी यहाँ आए थे, ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा था उससे निजात पाया था। उसके बाद से लगातार कौरव आए थे, पांडव आए थे, सभी द्वापर युग, त्रेता युग, और उसके बाद अब ये जो कलयुग चल रहा है उसमें भी जो समाज है, जो जनता है, जो लोग हैं, अपने सभी दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं, और इस धार्मिक स्थल पर आने के बाद अपने सारी बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। जैसा कि सोमया आपने भी देखा कि महिलाएं यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 10-10 साल से लगातार इस पौराणिक स्थान पर, इस धर्म स्थल पर यहाँ आ रहे हैं और सभी दुखों से मुक्ति पा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये भी साधना न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कपाल मोचन मेला जो कि पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन किया गया है, वह भी यहाँ पर आए और इस धार्मिक स्थल पर आके अपना जीवन शुद्ध करें। जी जी सोमया जी, राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर यमुनानगर के बिलासपुर में मेला श्री कपाल मोचन का शुभारंभ हो चुका है, और इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी इस मेले में मौजूद रहेंगे। खास खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।